हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे भिंडी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 250 ग्राम भिंडी को धो करके तैयार कर लिया है। अब हम इसकी साइड्स को कट कर देंगे। अब हम भिंडी को हाफ़ कट करेंगे। सेंटर से हम इसके दो स्लाइस बना लेंगे। ऐसे ही हम सारी भिंडी को कट करके तैयार कर लेंगे। देखिए, हमने सभी भिंडी को काट करके तैयार कर लिया है। अब हम लेंगे 3 मीडियम साइज़ के प्याज और उसे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। हमने सारे प्याज काट करके तैयार कर लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और उसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए, हम इसमें डालेंगे हमारे कटे हुए प्याज। अब हम अच्छी तरह इसे हिलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे प्याज हैं जो उनका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बेसन। इसे अच्छी तरह से भून लेंगे और अब हम इसमें भिंडी ऐड कर देंगे। जैसे ही हम बेसन ऐड करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा ऑयल है कम हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा ऑयल हम अब इस समय इसमें और डालेंगे। हिलाते हुए इसे पकाते रहें। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक हमारा बेसन अच्छी तरह से भून ना जाए। आप इसे अच्छी तरह हिलाते हुए पकाएं ताकि जो हमारा बेसन है वो तले के नीचे न लग जाए। तो अब हम इसे हिलाते रहेंगे। मुझे पकाते लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच सब्जी मसाला। अब हम अच्छी तरह से इन मसालों को हमारी भिंडी में मिक्स करेंगे और इसे लगभग 5-10 मिनट तक और पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच दही। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और लगभग 5 से 7 मिनट तक और पका लीजिए। दही ऐड करने के बाद आप अपनी गैस की जो फ्लेम है उसको धीमा कर दें। धीमी आंच पर इसे थोड़ी देर के लिए पकने दें। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो सब्जी है बनकर के तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे और हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। देखिए हमारी सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है और जो इसमें हमने बेसन डाला था वो अच्छी तरह से भून चुका है।
तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं इसकी प्लेटिंग। सबसे पहले मैंने इसे एक बोल में निकाल लिया है। मैंने इसे गार्निश किया है 2 स्लाइसेस ऑफ टमाटो एंड सम कर्ड। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।